वेलकम बैक टू द डेटा नेटवर्किंग। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंजेशन कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके अंदर दो एल्गोरिथम होती है, बकेट वाली और लीकेज बकेट वाली, दोनों बताऊंगा। फिलहाल मैं बात करूंगा कंजेशन सिंपली क्या होता है। आपको क्या लगता है कंजेशन क्या होता है? जैसे ट्रैफिक के अंदर होता है वैसे नेटवर्क के अंदर होता है, भीड़ भाड़ एक तरह से, वही सिंपली। तो देखो, ए स्टेट अकरिंग इन द नेटवर्क लेयर, इन द नेटवर्क लेयर व्हेन द मैसेज ट्रैफिक इज सो हैवी आर दैट इज स्लो डाउन द नेटवर्क रेस्पॉन्स टाइम। यानी इतना ज़्यादा मैसेज चल जाता है कि आपका जो नेटवर्क क्या होता है कि रेस्पॉन्स करना बहुत स्लो डाउन हो जाता है, नेटवर्क का रेस्पॉन्स टाइम एकदम गिर जाता है। जैसे आपका शेयर मार्केट में गिर गया है सेंसेक्स का दाम, वैसे ही ऐसा कुछ होता है इसके अंदर भी। तो सिंपली आपको समझ में आया नेटवर्किंग के अंदर कंजेशन कैसे हो रहा है। अब मैं बात करूँ कि जो इफेक्ट होता है उससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो डिले है वो इंक्रीज होगा और आपकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली यार, अगर ट्रैफिक हुआ तो अपना डिले तो होना इंक्रीज हो रहा है और परफॉर्मेंस अपनी डिक्रीज हो जाएगी। इफ द डिले इंक्रीजेस रिट्रांसमिशन अकर्स एंड मेकिंग सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। अगर डिले अपना इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आपको रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा दोबारा से, और आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि वो आपकी जो ट्रैफिक है उसको आपको सोल्व करना होगा, रिट्रांसमिशन करना होगा एक तरह से, और आपको सिचुएशन जो होगी आपकी वो क्या होगी, वर्स होती जाएगी। तो ये चीज़ थी हमारी सिंपली कंजेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं बात करूँगा दोनों एल्गोरिथम के बारे में, चलिए मूव ऑन करते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि लीकी बकेट अपनी जो है एल्गोरिथम, उसके अंदर क्या होगा कि आपका जैसे कि ट्रैफिक है, जैसे अपन एक साथ फेंकते जाते हैं और बकेट के अंदर अगर अपन चेंज कर दे तो कांस्टेंट आउटफ्लो होगा। इसलिए बोला कि इनफ्लो मे बी बस्टी, बट जो हमारा कांस्टेंट आउटफ्लो है वो कांस्टेंट निकलने वाला। स्टेप सिंपल है, व्हेन होस्ट वांट टू सेंड पैकेज, पैकेट आपका जो होगा वो बकेट के अंदर फेंक दिया जाएगा। सेकेंड वन, बकेट लीक्स एट अ कांस्टेंट रेट, मीनिंग द नेटवर्क इंटरफेस ट्रांसमिट पैकेट एट अ कांस्टेंट रेट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड बस्टी ट्रैफिक इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय द लीकेज बकेट, सही बात है। जो आपका बस्टी ट्रैफिक था अब तक वो किसके अंदर अपना कन्वर्ट हो चुका है, यूनिफॉर्म ट्रैफिक के अंदर, यानी कि कांस्टेंट। इन द प्रैक्टिस द बकेट इज फाइनाइट क्यू दैट आउटपुट एट द फाइनाइट रेट। तो ये सिंपली हमारी क्या था, लीकेज बकेट एल्गोरिथम थी। अब मैं बात करूँगा कि टोकन वाली क्या करती है। टोकन बकेट अपनी बात करूँ तो सिंपली टोकन से पता चल रहा है इनको एक टोकन या फिर कोई सीक्वेंस नंबर मिलेगा जिससे कि अपना फ्लो कंटिन्यू बनेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपके पैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ पैकेट रह गए और कुछ यहाँ पे निकल गए। तो देखो, टू डील विद द बस्टी ट्रैफिक वी नीड टू फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम्स और डाटा इज नॉट लॉस्ट। स्टेप सब फर्स्ट है, द रेगुलर इंटरवल टोकन आर थ्रोन इन टू द बकेट। सिंपली द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी, इफ देयर इज अ रेडी पैकेट ए टोकन इज रिमूव फ्रॉम द बकेट एंड पैकेट इज सेंट। यानी कि रेडी पैकेट हो यानी तैयार है जाने के लिए तो उनको भेज दिया जाता है एंड पैकेट इज सेंट। इफ देयर इज अ नो टोकन इन द बकेट द पैकेट कैन नॉट बी सेंड। यानी कि सपोज करो इसको स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, अगर वो नंबर खत्म हो जाता है वो पैकेट वहाँ पे नहीं जाएगा, और इस जिसके पास नंबर है जिसके पास टोकन है वो निकल जाएगा। तो ये बोला इन्होंने टोकन बकेट एल्गोरिथम के अंदर। तो आपकी जो लीकेज वाली समझ में आएगी और आपको टोकन वाली समझ में आएगी, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, उसमें कांस्टेंट जा रहा है, इसके अंदर क्या होता है नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैकेट रेडी है तो उसको भेज दिया जाएगा और वहाँ से टोकन रिमूव कर जाएगा, अगले को वो टोकन नंबर मिल जाएगा। अगर टोकन ही नहीं है बकेट के अंदर तो क्या होगा कि पैकेट ही अपन भेज ही नहीं सकते हैं, तो इसका एक ड्रॉबैक अपन को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।